पूरी पूरी मिल थी वो सब फ्री बाहर सब आ जाए कोई थी ना उनका चार कुत्ती लाई थी चली गई। आपका नाम? समरीन। आपके हस्बैंड का? नूर आलम। ये हादसा कैसे हुआ और किस वक्त हुआ? ये 8 बजे का टाइम था, हम खाना बना रहे थे। 8 बजे का टाइम था, हम खाना बना रहे थे और बस खाना बना के हाथ धोने के लिए खड़े हुए बर्तन धो रहे थे तो वो दीवारें चिटकने लगी। तो बस दीवारें चिटकी तो हमने नीचे आवाज़ लगाई अपनी सास को और मेरा बच्चा था मेरे पास, उसको लेके हम भागे और बस भागे। हमें होश नहीं कि क्या करें, मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं थी, मेरे पास नकाब भी नहीं था। बस हम चले गए नीचे और बस वहाँ से अपनी सास लोग के साथ बाहर चले गए। मेरे शौहर थे भी नहीं घर पे, वो काम पे गए हुए थे कहीं, कोई नहीं था मेरे पास और मदद के लिए भी मेरे पास कोई नहीं था, सिर्फ मेरी सास। हम मेरे ससुर बहुत कमज़ोर, वो भी पैर से बहुत माजूर है, वो थे मेरे साथ में। तो आपका लगभग कितना नुकसान हुआ है? हमारा नुकसान बहुत हो गया नुकसान हमारा। अभी तो हमने घर बनवाया था, बहुत कर्जा अर्जा लेके घर बनवाया था, बहुत हम लोग परेशानियाँ उठा के घर बनवाया था। और ये फर्नीचर का काम करते हैं और वो जो काम हो रहा था वो भी हमारा माल भी सारा बर्बाद हो गया। कहाँ करते हैं काम? ये नीचे ही घर के काम करते हैं, कोई कारखाना नहीं, ऐसे ही काम करते हैं, कोई कारखाना नहीं है। वो भी सारा माल बर्बाद हो गया, मेरा बहुत नुकसान है, मेरा कोई सहारा नहीं, कहाँ हम लोग रहें, कैसे क्या करें, कोई सहारा नहीं है। अब आप क्या चाहती हैं? अब ये चाहते हैं कि हम लोग का कोई सहारा बने और जो हमारा नुकसान हुआ उसका कुछ हम लोग को मिले, सारी हम लोग की परेशानियाँ दूर हो जाए, बस ये चाहते हैं। तो अभी इस वक्त आप कहाँ रह रही हैं? इस वक्त अपने मायके में हैं, अपने माँ बाप के पास। कहाँ पे आपका घर था? हमारा घर पास मंडी में है, जो घर हमारा बर्बाद हो गया वो पास मंडी में है। किसकी वजह से? वो मील थी बगल में, वो कोई नेता है उनकी, अनिल शर्मा नाम के, तो उनकी मील में आग लगी, उनकी दीवारें हमारे कोल्ड स्टोर हमारे दीवार में हमारी छत पर गिरा के सब हमारा सब बर्बाद हो गया, आग लग गई, सब बर्बाद हो गया। हम लोग के पास एक कपड़ा भी नहीं है कि हम लोग एक कपड़ा भी पहने, हमारे बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, बहुत परेशान है इस टाइम हम लोग, बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे शोहर का काम भी नहीं है कुछ, बहुत ज़्यादा दिक्कतों में है। बच्चे मेरे स्कूल जाने वाले थे, मेरे बच्चों के यूनिफॉर्म भी सब उसी में सब ख़त्म हो गया, बस्ता वगैरह सब, स्कूल का कुछ नहीं है हम लोग के पास इस टाइम पे, कुछ भी नहीं है, बस मदद चाहिए, सबकी मदद चाहिए।